आज का वीडियो का टाइटल कुछ अजीब सा है, सोचना बंद कर दो। लेकिन ऐसा क्यों? अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चाहे आप क्लास 9th के हो, 10th के हो, 11th हो या 12th हो, या किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया और आज 31st अक्टूबर, अक्टूबर भी खत्म हो गया। इतना टाइम निकल चुका है और आपके पास अभी बचा क्या है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब। मैं मार्च नहीं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अभी भी बहुत श्योरिटी नहीं है हमको कि एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे, और खैर रिवीजन के लिए भी तो कुछ समय छोड़ना है। बचे हैं सिर्फ 4 महीने, तो अब सोचना बंद कर दीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों से मेरे पास काफी मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे और बच्चे मेरे से अक्सर ये चीज पूछ रहे थे और बता भी रहे थे, शेयर भी कर रहे थे कि सर इतना टाइम निकल चुका, कुछ तैयारी हुई है, कुछ नहीं हुई है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो ये जान करके मुझे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हैरानी हुई, क्योंकि हर साल बच्चों की, बहुत से बच्चों की यही सिचुएशन होती है। तो इनफैक्ट इसी वजह, यही एक वजह थी जिससे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को ये मैसेज पहुंचा चुकूं कि जो सोचने का समय था दोस्तों वो निकल चुका है, अब आपको एक्शन पार्ट पे काम करना है। भूल जाइए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आने वाले टाइम पे क्या होगा। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, कोविड बढ़ेगा घटेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्जाम्स कब होंगे, ऑनलाइन होंगे, फिजिकल होंगे, क्लासरूम्स में जाके होंगे, वैसे तो क्लासरूम्स में जाके ही होंगे, ये पहले से ऑलरेडी ये बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी यू नेवर नो। मान लीजिए कोविड की सिचुएशन खराब हो जाती, मान लीजिए चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा हमको नहीं पता है। तो जो चीजें हमें नहीं पता है, हम दिन रात उसके बारे में सोच करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपको इस समय फोकस होकर के सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। टाइम टेबल नहीं बन रहा है, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ पा रहा हूं, जो सामने मिल रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं, जो बुक सामने मिल रही है उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, वो चैप्टर मत पढ़िएगा जो ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत से बच्चों की आदत होती है जो पढ़ा हुआ होता है उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, ऐसा मत करिए। जो नहीं पढ़ा है उस पर फोकस करना शुरू करिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए, एक्शन क्योर्स फियर। जिस चीज से डर लगता है उसके तरफ एक्शन करना शुरू कर दीजिए, नॉट दैट एक्शन, एक्शन करना मतलब काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अकाउंटेंसी से डर लगता है, रोज अकाउंट्स पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत आ रही है तो वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा डेली बेसिस पे करते जाएंगे तो आप देखिएगा धीमे धीमे करके आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 4 महीने में लेकर के चल रहा हूं, ऑन एन एवरेज 30 डेज हैं आपके पास। ये 30 दिन, ठीक है, ऑन एन एवरेज पर मंथ 30 डेज, तो हमारे पास कितने दिन हो गए, 120 दिन हो गए। 120 दिन अगर हमारे पास हैं और 5 घंटे के ऑन एन एवरेज लगा लीजिए, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास टोटल कितने आवर्स बच रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा फोकस होके अब एक्शन करने की जरूरत है। सोचने का समय खत्म हो चुका है, वो टाइम इज ओवर। अब इसको लेकर के मत सोच में पड़ जाइएगा कि अरे इतना टाइम निकल गया, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दिस इज टाइम टू वर्क एंड दिस इज टाइम फॉर सम रियल सीरियस स्टडीज। आपको जो कुछ हुआ है फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाइए, आगे पढ़ना शुरू करिए। मैंने अप्रैल 1st से, इनफैक्ट 29th मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, और तभी मैंने ये चीज कह दिया था कि अक्टूबर एंड या नवंबर 1st वीक तक मैक्सिमम मैं आप लोगों का क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। एंड वी आर डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका लास्ट चैप्टर है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसमें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम लोग तकरीबन 20-25 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये अभी आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और 1 हफ्ते के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। हर चैप्टर का प्लेलिस्ट जो भी है आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। हर वीडियो जो है, जो भी चैप्टर है, सीरियल वाइज देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरियल ऑर्डर में देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं पढ़ा अकाउंट्स अभी तक, कोई बात नहीं, फॉरगेट अबाउट इट, अब पढ़ लीजिए।
अभी भी टाइम है आपके पास, मेहनत करना शुरू करिए, हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के बहुत से वीडियोस बनाए हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है ये सारी चीजों पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बताने जा रहा हूं आपको कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे या आगे कैसे करना है, ना ही मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने के लिए आया हूं। आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि अब सोचने का टाइम खत्म हो गया है, काम करने का शुरू हो चुका है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि किसी की जरूरत है कि कोई आपको मोटिवेट करे? ये आपकी लाइफ है, रोज आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है। कभी वंस इन अ व्हाइल ठीक है, व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, आप किसी अच्छे स्पीकर को सुन लीजिए, कोई अच्छी बुक रीड कर लीजिए, दैट इज वेरी गुड। बट व्हाई डू यू नीड मोटिवेशन फॉर योर ओन लाइफ? सब रोज मुझे कोई मोटिवेट करे, अरे क्यों मोटिवेट करे? लाइफ आपकी है, मेहनत आपको करनी है, कॉन्सिक्वेंसेस ना पढ़ने के, फेलियर होने के, कम मार्क्स के कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, रिलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे विल बी लिविंग देयर ओन लाइफ। मे बी कुछ समय के लिए आपसे सिंपथाइज करेंगे, कुछ समय के लिए आपसे बात करेंगे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर लाइफ एंड हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ? यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफ। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी बिग सीक्रेट। यू ऑल आर अडल्ट्स, आप सब बड़े हो चुके हैं, कुछ ऑलरेडी वोटिंग एज पे पहुंच चुके हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी वोट करने वाले एज पे पहुंच जाएंगे। आप देश की सत्ता चुन सकते हैं, आप देश का लीडर चुन सकते हैं, आपको ये अधिकार मिल रहा है। तो जब आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपको ये अधिकार आपके पास आने वाला है, आप इस एज पे पहुंच रहे हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपकी गाड़ी है, आप चलाएंगे, कोई और ड्राइवर नहीं होना चाहिए। गाइडेंस के लिए आपके पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन करना आपको है। सो कम आउट ऑफ दिस थिंग कि मुझे ये सोचते रह गए कि अब ये कोविड का ईयर था तो इतनी प्रॉब्लम्स थी तो हम नहीं पढ़ पा रहे थे। अभी प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे स्कूल की क्लास भी अटेंड करनी है, बहुत से बच्चे बहुत सी जगहों पे स्कूल्स खुल चुके हैं तो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। सर मुझे स्कूल भी जाना रहता है, वो कोचिंग क्लास भी अटेंड करनी होती है, ऑनलाइन भी पढ़ना होता है, पढ़ाई हो उसके बाद भी पढ़ाई नहीं। अरे क्यों पढ़ाई नहीं हुई भाई? आपको इस चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि आपको अपना पर्सनल टाइम सेल्फ स्टडी का निकालना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी, अगर आपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाला तो चीजें मैनेज आउट नहीं हो पाएगी, इतना जान लीजिए, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं। लाख कोचिंग कर लीजिए, लाख ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कितने भी आप स्कूल से पढ़ाई कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस एंड अंटिल यू आर पुटिंग योर एफर्ट। आपका जो पर्सनल टाइम है वो आपको इनपुट करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनल स्टडीज खुद करनी पड़ेगी। गाइडेंस आपको चाहिए, मैं हूं, आप उनसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हम लोग अकाउंटेंसी खत्म कर रहे हैं, इसके बाद मैं क्लास 11 स्टार्ट कर दूंगा एंड साथ में हम लोग क्या करेंगे, रिविजन, जैसा मैंने कहा था मैं रिवाइज कराऊंगा, लेकिन करना आपको है। सो इट इज योर फुट ऑन द एक्सकेलेटर्स, उस पे आप ब्रेक क्यों दबा के बैठे हुए मेरे भाई? एक्सकेलेटर दबाइए, गाड़ी दौड़ाइए, सोचने का समय खत्म हो चुका है, अब सिर्फ काम करने का है। तो कम आउट ऑफ दैट थिंग कि कुछ भी हो चुका है, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये सब मत याद रखो मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये है, मैंने, अरे मेरा तो इतना ही हो चुका है, उसका इतना, कम आउट ऑफ ऑल दिस, फिगर आउट, सब भूल जाइए, कोई मतलब नहीं उस सारी चीजों से। फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड स्टार्ट डूइंग। ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन क्योर्स फियर, ठीक है? अगर आप जब काम करना शुरू करेंगे तो डर लगना बंद हो जाएगा। तो यही छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पढ़ते चलिए, हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगाते चलिएगा। डीके गोयल हम लोग ऑलमोस्ट पूरी सॉल्व कर चुके हैं और बचे हुए क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।